सो भाई फाइनली पहुंच गए हैं बोगोर स्टेशन। अभी ये कुछ फ्रूट है, अभी ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है ना, वो यहाँ पे रहते हैं, उनका निवास स्थान है बोगोर का प्रेसिडेंट पैलेस, यहाँ पे आके राष्ट्रपति रहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी होगी ना, तो मैं हूँ जकार्ता में, मैं सुराबाया से आया जकार्ता, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बोगोर। जकार्ता में ना एक प्लेस है यहाँ पे बोगोर नाम से, तो अभी वहाँ पे जाने वाले हैं। अभी मैं हूँ मेरे हॉस्टल में, ये मेरा हॉस्टल। तो आज एक्सप्लोर करेंगे बोगोर को, और आज मेरे साथ है किकी। किकी से आए तो किकी आज मेरे साथ रहने वाला है बोगोर में, तो दोनों जाएंगे साथ में वो, क्योंकि यार उसको काफ़ी यहाँ पे पता है, वो लोकल है यहाँ पे, तो वो मुझे गाइड करेगा कि कैसे जाना है, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो मुझे गाइड करेगा। तो यहाँ से बाय वॉक जाएंगे हम रेलवे स्टेशन तक, और वहाँ से ट्रेन लेंगे बोगोर के लिए। देखते हैं अभी कैसा सफ़र होने वाला है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे जकार्ता में, ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और ऐसा कुछ माहौल है। तो भाई चल रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ पे एक स्कूल दिख गया मुझे, ये छोटा सा स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल है। हेलो अभी चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, ज़्यादा दूर नहीं है, एक 5-10 मिनट की दूरी पे, वहाँ से ट्रेन लेंगे बोगोर के लिए, और बोगोर में देखते हैं हमको क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है ना। तो भाई अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं ना रेलवे स्टेशन की तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ है ना ऑटोमोबाइल सेक्शन है, मतलब दोनों तरफ की जो दुकान है ना सब स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, यहाँ पे आपको हर टाइप का स्पेयर पार्ट मिल जाएगा हर व्हीकल का। थोड़ा यार जकार्ता का मैं लोकल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी वो प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाऊँ, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेसेस पे तो हर कोई जाता है, लेकिन जो एक्चुअली कंट्री होती है, जो एक्चुअली सिटी होती है, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ के लोकल लोग कैसे हैं, वहाँ की लोकल दुकानें कैसी है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे कुछ यहाँ पे शॉप्स है जहाँ पे सारे काम होते हैं गाड़ियों के, और अभी हम आ गए मेन रोड पे, ये भाई ऊपर ट्रेन जा रही है। तो भाई यहाँ पे आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे, तवा बेसार नाम से यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। यार इस रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे किकी ने बताया कि सेवा बेसार मतलब एक जो राइस फील्ड होती है ना, बिग राइस फील्ड उसे कहते हैं। सैकड़ों सालों पहले यहाँ पे राइस की मतलब खेती होती थी, अब यहाँ पे में भी राइस फार्म्स रहते होंगे बड़े बड़े, तो इसलिए फिर इस इलाके को नाम पड़ा सवा बेसार, और इस ट्रेन स्टेशन को नाम भी वही दिया है उन्होंने, सवा बेसार। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चली। अभी एक काम कर रहा हूँ कि मैं अभी ये जो मेरा ट्रेन कार्ड है ना, ये यहाँ पे टॉपअप कर रहा हूँ, ये ऐसा यहाँ पे टिकट काउंटर है, कार्ड अभी हम टॉपअप करेंगे। ऑलरेडी इसमें 7,000 बैलेंस है, लेकिन थोड़ा और लगेगा, तो अभी पता नहीं मतलब कितने का टॉपअप यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। तो बस अभी इसमें टॉपअप करेंगे और निकलेंगे बोगोर की तरफ, है ना। तो भाई अभी हम है ना, हम है यहाँ पे सवा बेसार में, और यहाँ से हम जाने वाले हैं सीधा 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 बोगोर तक। ये आप देख रहे हो यहाँ पे बोगोर, ऐसा यहाँ पे कुछ मैप दिया है, और किकी आया है तो सो गया है टॉप अप और कार्ड पर, तो चलो चलते हैं, अभी कार्ड टॉप अप करते हैं और चलते हैं ट्रेन के लिए, है ना। चलो तो हमने कार्ड टॉप अप कर लिया है, और यहाँ पे अब जैसे हमें टैप करना पड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पे हमको टैप करना है। और भाई यहाँ पे ना मैंने देखा कि हर एक रेलवे स्टेशन पे आपको एस्केलेटर मिलेगा, काफी अच्छे स्टेशन यहाँ पे इन्होंने बनाए, सारी सुविधा है, तो ये मुझे यार काफी अच्छा लगा। ट्रेन भी मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगी। ऐसा कुछ स्टेशन है, तो भाई हमारी ट्रेन आ गई है, बैठते हैं यहाँ पे। तो भाई अपने ट्रेन में बैठ चुके हैं, और जैसे मुझे किकी बता रहा था कि यहाँ की ट्रेन इतनी ऑर्गेनाइज कैसे है, क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे एक उनके ट्रेन मिनिस्टर आए, अभी उनका नाम मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की यहाँ पे, और इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन वो यहाँ पे इंडोनेशिया में जकार्ता में लेके आए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यार ऐसे ही अपने मुंबई में भी है, लेकिन उतना ही फ़र्क है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो भीड़ थोड़ी सी कम है, तो बस यही चीज़ है। बस अभी पहुँचते हैं बोगोर। हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम हियर टू रीच बोगोर? टाइम लेस देन 30 मिनट्स। लेस देन 30 मिनट्स। ओके, आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे से भी कम पहुँचते हैं बोगोर, और बोगोर पहुँचने के बाद आपसे बात करता हूँ, है ना। सो भाई फाइनली
पहुंच गए हैं बोगोर स्टेशन। अभी प्लान ये है हमारा कि पहले यहाँ से निकलेंगे रेलवे स्टेशन के बाहर और देखेंगे वहाँ पे अगर हमको बाइक मिल गई ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो भी लोकेशंस है ना जहाँ पे हमको जाना है वो थोड़े से दूर है, तो देखते हैं मतलब यहाँ पे अगर बाइक रेंट मिलती है तो बाइक रेंट कर लेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे बोगोर सिटी को। तो चलो पहले निकलते हैं ट्रेन स्टेशन के बाहर और फिर मिलता हूँ आपसे, है ना। तो भाई यहाँ पे मतलब ये ऐसा टैप करना होता है और निकलते हैं आगे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, है ना। यहाँ पे आ गए हम रेलवे स्टेशन के बाहर और ये ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। आगे यहीं से कुछ दूरी पे है ना वो शॉप है जहाँ से हमको बाइक रेंट करनी है, तो जाते हैं वहाँ तक, देखते हैं कि क्या सीन होता है, हमें बाइक मिलती है नहीं मिलती है, कितना चार्ज करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलेगी। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं, है ना। और आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आप बोगोर आते हो तो आपको अगर बाइक वगैरह रेंट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अगर चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो भाई, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले यार, क्या कर रहे हो, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आप मिस कर रहे हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो अभी मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं यहाँ पे बाइक रेंट करने, तो ये ऐसी कुछ यहाँ पे शॉप है, एक मॉल है छोटा सा, उस मॉल के अंदर है, यहाँ के जो ओनर है वो यहाँ पे नहीं है तो उन्होंने मुझे वेट करने के लिए कहा है, तो अभी वेट करता हूँ थोड़ी देर और बताता हूँ कि क्या स्टेटस है मेरा, है ना। तो भाई अभी सीन ऐसा है ना कि गया तो था मैं वहाँ पे मतलब बाइक के यहाँ पे, तो बाइक का क्या सीन हुआ है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी लगी मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख, ये मैंने ऑर्डर कर लिया है, ये मेरे साथ एक कीकी और अभी खाना खा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है फ्राइड राइस एंड चिकन, और चिकन के साथ ये एग भी है, ये कुछ पापड़ वगैरह दिए उन्होंने। तो एक काम करता हूँ, काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है, फटाफट से फिनिश करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन हुआ। मैं गया था उस ऑफिस में जहाँ पे हमको रेंट करनी थी बाइक, तो वहाँ पे क्या सीन हुआ ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा खाना खाने के बाद। भाई यहाँ से जा रहे हैं, अभी एक जगह पे जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ यहाँ पे फ्रूट है, पता नहीं इस फ्रूट को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है ना तो कमेंट करके मुझे बताना कि इस भाई को क्या बोलते हैं। एक ने ले लिया, थैंक यू। तो ये इन चाचा ने दिया है फ्रूट, और ये ऐसा कुछ फ्रूट है, तो किकी ने लिया है यार, पता नहीं अभी ये फ्रूट क्या है, ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है ये फ्रूट, ऐसा कुछ है। अगर यार आपको इसके बारे में कुछ पता है ना तो कमेंट करके मुझे बताना इस फ्रूट को क्या बोलते हैं। It's seed inside? Yeah, seed inside. Don't eat the seed. अभी ये कुछ फ्रूट है, अभी ट्राई करते कि ये कैसा है। Tastes like a jackfruit. जैकफ्रूट भाई, ये जैकफ्रूट जैसा, मतलब जैकफ्रूट ही है लेकिन ये छोटा वाला जैकफ्रूट है, ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा छोटा वाला जैकफ्रूट है। अपने यहाँ पे ना ग्रीन वाला रहता है ना बड़ा वाला, हाँ कटहल बोलते हैं हिंदी में, मैं भूल गया था उसे क्या बोलते हैं, तो कटहल ही है लेकिन छोटा वाला है, और टेस्ट बिल्कुल सेम है जैसे अपने यहाँ पे रहती है, काफ़ी सही है, मस्त है। और यार हमने बाइक क्यों नहीं उठाई वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पहुँचा ना वहाँ पे बाइक के शॉप में, तब यार 2 बजे थे और 2 बजे से लेकर 9 बजे तक हमको बस बाइक चाहिए थी, लेकिन फिर किकी ने मुझे कहा कि इतने से टाइम में हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, और बाइक की कॉस्ट थी 95,000, तो यार काफ़ी कॉस्टली था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि आज मतलब जितना हो सके बोगोर सिटी को एक्सप्लोर कर लेते, देन कल या फिर परसों आएंगे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग, और फिर यहाँ से बाइक लेंगे, तो क्या है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस यहाँ पे मतलब कवर कर सकेंगे, क्योंकि तो यहाँ पे ना बोगोर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जकार्ता से भी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ बोगोर में है, ऐसा किकी ने मुझे बताया। तो हम जल्दी आएंगे कल या फिर परसों और फिर एक्सप्लोर करेंगे अराउंड द सिटी, जितने भी अट्रैक्शंस रहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे ना उतने कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी बस यहाँ घूम रहा हूँ बोगोर की गलियों में, अटल खा रहे हैं और चल रहे हैं रास्तों पर बोगोर की, मज़ा आ रहा है। ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है और पता नहीं मतलब इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं, लेकिन ये यहाँ पे देखिए एक डियर भाई, इसके अंदर मतलब बहुत से डियर्स है और काफी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। वाओ भाई काफी शानदार लग रहा है यार, यार इतने नज़दीक से तो पहली बार देख रहा हूँ मैं।
तो भाई देखा आपने कितने नज़दीक से मैंने मतलब हिरनों को देखा, इससे पहले काफ़ी देखे हैं मैंने, लेकिन इस टाइम मतलब मैंने हाथ वगैरह लगाया उनको, तो काफ़ी नज़दीक से देखा यार, तो मज़ा आया देख के। बहुत से हिरन है यार, और ये पूरा ऐसा पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, तो काफ़ी मस्त प्लेस है। मुझे पहले ऐसा लगा ना कि बोगोर एक इलाका है यहाँ का, लेकिन बोगोर एक इलाका नहीं, बोगोर इज़ अ सिटी राइट, इट्स अ सिटी, या तो बोगोर है ना यार, ये सिटी है यहाँ की, एक प्रॉपर सिटी है। मुझे पहले लगा था कि एक छोटा सा इलाका रहेगा, लेकिन ये सिटी है, तो सही है यार, मज़ा आया यहाँ पे आके। अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कि और हमको क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है ना, तो चलो चलते हैं। तो भाई ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है यार, तो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है ना वो यहाँ पे रहते हैं, उनका निवास स्थान है। और अगर जो भी कोई VVIP लोग आते हैं ना, जो अलग अलग कंट्रीज़ के कोई प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना इंडोनेशिया में, तो यहाँ पे वो रहते हैं, ऐसा मुझे किकी ने बताया, तो काफ़ी सही है यार। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, बहुत सारे डियर्स है भाई, मतलब 100 से ज़्यादा रहेंगे जितना मैं देख पा रहा हूँ मेरी आँखों से, पूरा का पूरा झुंड है भाई। और उनका मेन बंगला का है वो तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, इतना बड़ा है। एक मेन जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है ना वो जकार्ता में है, लेकिन जैसे किकी ने मुझे बताया कि अगर प्रेसिडेंट थोड़े बोर हो जाते हैं जकार्ता से, ट्रैफिक से, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनको एक क्वाइट जगह पे जाना चाहिए, तो वो आते हैं बोगोर इस पैलेस में, मतलब यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे चिल करते हैं। तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो भाई मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट पैलेस के सामने आया हूँ यहाँ पे, और ये आप यहाँ से बिल्डिंग देख सकते हो, ये प्रेसिडेंट पैलेस यहाँ का, और बहुत सही लग रहा है यार, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े हैं और ऐसा कुछ है, ये आप देख सकते हो मेरे पीछे बोगोर का प्रेसिडेंट पैलेस, यहाँ पे आके राष्ट्रपति रहते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके। दो चार फोटोज़ निकाल लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव एरिया है, तो फटाफट से यहाँ पे दो तीन फोटोज़ निकाल लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे, है ना।